देश में विरोधियों को खलबली तेजस्वी यादव की यात्रा से क्या हो जाता है? इसका मतलब सबसे ताकतवर हमारा नेता है और सबको भय है तेजस्वी यादव से। और ये ग्राउंड पर जो आदमी आ गए तो सबको लगता है कि आने वाला समय में 25 का सरकार जो है तेजस्वी यादव का। अरे हम लोग को गुरु मंत्र क्या, हम लोग को तो गुरु मंत्र लालू जी से मिला हुआ है और तेजस्वी जी से भी मिल रहा है। आगे 25 में सत्ता पर काम होना है तो उसके लिए तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उसी तैयारी के तहत जो है संपाद यात्रा हो रहा है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। कार्यकर्ता आभार यात्रा, तेजस्वी यादव की इस यात्रा का आज आखिरी दिन है और ऐसे में इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मीनापुर से आरजेडी विधायक मुन्ना यादव जी मौजूद है। सर, यात्रा चल रही है, आज यात्रा का आखिरी दिन है तो क्या लगा? पहली यात्रा का आखिरी दिन है, यात्रा का आखिरी दिन नहीं है, अभी और यात्रा बाकी है, लेकिन पहला चरण जो यात्रा का है हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का, उनका आज आखिरी दिन है। और इस यात्रा से वर्करों में काफी हौसला वर्करों का बढ़ता है, ऊर्जावान हुए हैं वर्करों को बुलंद किए हैं, क्योंकि पार्टी का सबसे अंतिम इकाई पंचायत होता है, पंचायत के अध्यक्ष से रूबरू होना पंचायत के अध्यक्षों ने गौरवान्वित महसूस किया है कि हाँ पार्टी अब हम लोगों को तरजीह दे रही है। और तेजस्वी जी ने कहा भी है कि मैं किसी भी पंचायत से कहीं पूरे बिहार के दौरा करने के बाद किसी पंचायत से मैं किसी पंचायत अध्यक्ष से बात करूँगा। अच्छा, नेता है आप लोगों के तेजस्वी यादव जी, क्या कुछ गुरु मंत्र मिला है आप लोगों? अरे हम लोग को गुरु मंत्र क्या, हम लोग को तो गुरु मंत्र लालू जी से मिला हुआ है। हाँ। और तेजस्वी जी से भी मिल रहा है। आगे 25 में सत्ता पर काम होना है तो उसके लिए तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उसी तैयारी के तहत जो है संपाद यात्रा हो रहा है। अच्छा, ये संपाद यात्रा को लेकर के लगातार जितने भी सत्ता पक्ष के लोग हैं वो हमला बोल रहे थे, कह रहे हैं कि इस यात्रा को लेकर कुछ होने जाने वाला है। अच्छा, तेजस्वी यादव जी का जब यात्रा निकलता है, नीतीश कुमार जी भी यात्रा निकालते हैं, कोई चर्चा होती है? कोई चर्चा नहीं होती। आखिर पूरे देश में विरोधियों को खलबली तेजस्वी यादव की यात्रा से क्या हो जाता है? इसका मतलब सबसे ताकतवर हमारा नेता है और सबको भय है तेजस्वी यादव से। और ये ग्राउंड पर जो आदमी आ गए तो सबको लगता है कि आने वाला समय में 25 का सरकार जो है तेजस्वी यादव का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने जिस तरीके से रात के 12 बजे पोस्ट किया तो आरजेडी की तरफ से भी इस पर टिप्पणी गई कि प्रेमी प्रेमिका की तरह। नहीं नहीं, इसमें हम नहीं बोल सकते, जन्मदिन है सब, लालू जी के जन्मदिन पर भी नरेंद्र मोदी जी बधाई देते हैं, ये तो एक वैचारिक बात होती है कि हाँ भाई किसी का जन्मदिन है, किसी परिवार में कुछ आहत हो गया, उसमें सुख दुख में लोग जो है सक्रिय होता है, इस पर हम कमेंट नहीं कर सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मीनापुर से विधायक मुन्ना यादव जी हमारे साथ थे और इनसे बातचीत हो रही थी, क्या कुछ कहते नजर आए हैं तमाम मसलों पर साफ तौर से आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि और अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, मुजफ्फरपुर।